अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शायद नाहर जी ने दादू को देख लिया था तभी वो अग्नि को अंदर लेकर चले गए, पर अब मैं क्या करूं? दादू को अंदर आने से कैसे रोकूं? इस वक्त कौन है रूही? क्या हुआ बेटा, तुम परेशान क्यों लग रही हो? नहीं नहीं दादू, ऐसी कोई बात नहीं है। हे भगवान, रूही के दादा दादी? आपने अचानक से सरप्राइज दिया ना, तो यकीन नहीं हो रहा है। आइए ना, आप अंदर आइए। चलिए आइए। नमस्ते। प्रतीक के पापा कहीं रूही का सच जानकर उसे घर वापस ना ले चले। क्या हुआ बहन जी, क्या हम कोई गलत वक्त पे आ गए? माफ कीजिएगा, दरअसल मुझे रूही की बहुत याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि एक बार जाके मिल लूं, और मैं बगैर कोई इत्तला दिए यहाँ आ गया, इसलिए माफी चाहता हूँ मैं। अरे नमस्कार नरेश जी, कैसे हैं आप? पूनम जी नमस्कार। आइए आइए, बैठिए बैठिए, खड़े कहें, आइए बैठिए ना। तो मैं क्या करूं, इतना रोकने की कोशिश की, तेरे दादू रुके ही नहीं। अब तो खाटू जी से यही प्रार्थना है कि दादू को अग्नि के बारे में कुछ पता ना चले। क्या यार नहार, ये कैसी कलर थीम है? मेरे पास एक भी ऑरेंज कलर की ड्रेस नहीं है। रूही, बाहर तुम्हारे दादाजी आए हैं। अग्नि अग्नि अग्नि, आराम से आराम से। नहार, हाँ? मैं कब से परेशान हो रही हूँ और तुम फोन पे लगे हुए हो? किससे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो कि मेरी बात पे ध्यान ही नहीं है तुम्हारा? दिखाओ मुझे फोन। अरे अग्नि, मैं रेस्टोरेंट के मैनेजर से ही बात कर रहा था, उसे मैसेज कर रहा था कि हमें आने में थोड़ी देर लगेगी, तो और तुम परेशान क्यों हो रही हो? देखो ना, अच्छे से देख लो, ऑरेंज ड्रेस होगी कहीं ना कहीं तो होगी, एक बार अच्छे से चेक करो अंदर। और वो देखो, सूटकेस भी है, तुमने चेक किया क्या? मैं अभी देता हूं तुम्हें। इधर लाओ, इधर। हाँ, अच्छे से चेक करो, मिल जाएगी, चेक करो। सी, नहार, सोनी आंटी सही कह रही थी, हम लोग किसी और रेस्टोरेंट चलते हैं ना, जहाँ ये कलर वलर का थीम ही ना हो। क्यों? अरे ये बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है, बिल्कुल तुम्हारे टेस्ट का। सुनो तो अग्नि, लेक साइड व्यू है, ब्यूटीफुल म्यूजिक, जैसा तुम्हें पसंद है। और तुम एक सेकंड, तुम परेशान मत हो, मैं एक काम करता हूँ, मैं अग्नि से बात करता हूँ, उसके पास ऑरेंज कलर की ड्रेस होगी होगी 100%, एक बार अच्छे से चेक करो, मिल जाएगी। मैं बात करता हूँ, चलो चलो चेक करो। रूही, बाहर तुम्हारे दादू आए हैं, मैं अग्नि को संभाल रहा हूं, तुम उन्हें देखो। अग्नि, मैं बस अभी आया। नहार, नहीं है। थैंक यू नहार जी, आप फौरन अग्नि को लेकर अंदर चले गए। आप थोड़ी देर अग्नि को संभालिए, बाकी मैं यहां पर बात संभालती हूँ। नरेश जी, पहले तो कांग्रेचुलेशंस, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि आप परदादा बनने वाले हैं। थैंक यू। मैं सबके लिए जूस लेकर आती हूँ। मैंने आपकी पोती को घर में रख लिया है ना, तो फिर आप पति पत्नी दोनों क्यों आए हो यहाँ चेक करने?
पुलिस ने खास कहा ऐसा करने के लिए। पुलिस का कहना है कि मारे डर के लड़के वाले बेटी पहले तो रख लेते हैं, लेकिन बाद में ना बेटी को परेशान करते, इसलिए। बहुत सीधा समझती थी सोनी इस परिवार को, देख लो सबके सब गले की हड्डी बने बैठे हैं। वैसे नाहर जी कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे? जी उसकी बहुत जरूरी मीटिंग थी इसलिए जाना पड़ा, और रात को ना काफी लेट आने वाला है वैसे भी। लेकिन रतन जी, नाहर जी की गाड़ी तो मैंने बाहर ही देखी थी, तो मुझे लगा कि शायद घर पे ही होंगे। ओह जी गाड़ी खराब है, नाहर कैब से गया है और कह रहा था कि रात को लेट हो जाएगा आने में। अच्छा 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 नमस्ते दादाजी। कुछ लो बेटा। आप घर पे ही हैं? रतन जी ने तो मुझे बताया कि आप ऑफिस गए हैं कोई मीटिंग के लिए और रात में देर से आने वाले हैं। वो दादाजी, दादू वो पापा जी को पता नहीं था कि नाहर जी अभी अभी आए हैं, और नाहर जी आते के साथ सीधा ऊपर चले गए ना चेंज करने के लिए, तो बस इसलिए। हाँ दादाजी, मैं चेंज करने चला गया था। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप अभी अभी तैयार होकर के बाहर जा रहे हैं। वो दादाजी मैं चेंज करने ही वाला था, वो फिर मुझे बहुत तेज भूख लगी, मैंने सोचा पहले कुछ खा लेता हूँ फिर चेंज कर लूंगा। हाँ दादू, इसलिए इन्होंने चेंज नहीं किया। बिल्कुल सही काम किया है, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा, है ना? एक भी ऑरेंज कलर का कपड़ा नहीं दिख रहा है। बाहर नहीं गया है रेस्टोरेंट। मैं नाहर को बोलती हूँ हम किसी और रेस्टोरेंट चलते हैं। नाहर, अग्नि तुम? ये देखो अग्नि, मैं तुम्हारे लिए ऑरेंजेस लाई, फटाफट से चेंज करो, चलो चलो मेरे साथ, चलो 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 अंदर चलो। अरे तुम ड्रेस देखो तो सही, चलो पकड़ो इसे। अग्नि, ये चमक दमक वाली ड्रेस तुम्हारी है? मैंने तो कभी नहीं देखा तुम्हें ऐसी ड्रेस पहनते हुए। हाँ हाँ, वो क्या है ना, ये कलर रोमिल जी का फेवरेट कलर है, सो ऐसे दो तीन ड्रेस मेरे पास है इस कलर में। और तुम क्या खड़े खड़े सवाल कर रही हो, चलो पकड़ो चेंज करो फटाफट, फिर मैं तुम्हारा एक प्यारा सा हेयर स्टाइल बना दूंगी। नहीं अम्मी, मैं पहले ही बहुत इरिटेट हो गई हूँ, मैं ये ड्रेस पहन के ज्वेलरी मैच करके तुरंत चली जाऊंगी 5 मिनट के अंदर भी। बाय। भैया मैं अग्नि को 5 मिनट से ज्यादा और रोक नहीं सकती, आप कुछ तो कीजिए। मिनट में सब कैसे ठीक करूं? दादाजी और दादी 5 मिनट में तो नहीं जाएंगे, अब क्या करूं मैं? कहीं अग्नि सबके सामने ना आ जाए। मैं आप सबके लिए नमकीन और मीठा लेकर आती हूं। हाँ हाँ रोही तुम जाओ। मैं भी थोड़ी रोही की मदद कर देता हूँ। और पूनम जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको परदादी बनने की बहुत ज्यादा खुशी नहीं है। जी नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं नहीं, समन ने मुझे बताया कि आपको पुलिस वाले घरेलू हिंसा के केस में अंदर डालने वाले थे।
नहीं नहीं वो दरअसल एक गलत फहमी हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि समर वहां पर सही समय पे वकील को लेके आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सच कहूं रतन जी, आपके दोनों ही बेटे बहुत ही होनहार हैं। नरेश जी अपने परिवार वालों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल सही किया, भला हम अपनी समधन को कड़क ठंडी फर्श पर कैसे सोने देते। जीवन के आखिरी दिनों में आप कैसे जीना पसंद करेंगे? घर मखमली नरम गद्दे पर सोना चाहेंगी या फिर जेल की कड़क ठंडी फर्श पर? पूनम जी अपनी बहू का ख्याल रखिएगा अच्छे से, जैसे हम आपकी रूही का रखते हैं। जी जरूर। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।